हेलो एंड वेलकम एक और सुहानी सुबह दुर्ग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं, जो भी टाइम हो रहा हो क्या ही करना है। और आज का भी जो मौसम है सेम है एज रेगुलर, जैसा मौसम रहता है बादलों वाला वैसी एकदम मौसम, चारों तरफ एकदम बढ़िया बादल है। और आज जगन्नाथ जी की यात्रा है, तो मैं भी शाम को देखते हैं जगन्नाथ जी के पास जाना होगा तो घूमते फिरते चले जाएंगे। पास स्टेशन के सामने ही है उनका, तो वहाँ रथ यात्रा शायद निकलेगा आज, तो चलेंगे आज अगर होगा तो, नहीं तो फिर आज घर के ही बहुत सारे काम है वही करते करते पूरी दिन निकल जाएंगी। और हियर वी गो, हमारे घर के जो पेड़ पौधे हैं उनको देख लो, सब धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं। आप लोग ग्रो ऐप में इन्वेस्ट किए होगे तो ये देखो मस्त यार गुलाब यहाँ पे आया है जबरदस्त। ये भी तो इसमें भी नई नई कलियाँ आ रही है, इसमें भी कलियाँ आ रही है, इसमें भी ये तो लाल भाजी टाइप निकल रहे हैं। बाप रे ये सब कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, और कितना बड़ा होना है, मेरे से भी हाइट लंबा करना है क्या अपना। इसमें आएगा कद्दू, ओ सॉरी कद्दू नहीं आएगा, वो क्या बोलते हैं, अरे वाटरमेलन आएगा इसमें उसमें इसमें। आई इसका पानी कब से सूख गया, चलो बढ़िया। ये क्या लगा हुआ है पता नहीं, कुछ तो है टब ख़राब, तो मतलब टब ख़राब था उसमें लगा दिया गया है। इधर भी सब पेड़ पौधे सब सूख गए हैं, लेकिन धीरे धीरे जल्दी ये सब रिकवर कर जाएंगे। और ये क्या चीज़ है पता नहीं, मम्मी क्या क्या लगाते रहती है वो खुद समझ नहीं आता है। तो बस अभी छत का ये तो दिखा दिया, उसके बाद अब चलता हूँ नीचे जल्दी से अपना नहा धोवा के तैयार व्यार होता हूँ। फिर आज के जो काम है समझ नहीं आ रहा क्या क्या करना है, अभी तो पूरा घर का जितने भी जाले वाले रहते हैं वो सबको झाड़ना ओढ़ना रहेगा, तो वो घर पर रहो तो ये सब करना पड़ता है। तो चलो जल्दी नीचे चलते हैं, ट्रक से काम वाम करते हैं। अचानक से मौसम भी ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा। एयर भी को देखो, और अब मेरे को भी लग रहा है ना जैसे बाकी ब्लॉगर लोग जैसे ब्लॉग बनाता है ना वैसी बनाना पड़ेगा। अभी पब्लिक प्लेस में घर पे ऐसे करके एकदम नॉर्मल तरीके से मैं भी बनाना शुरू करता हूँ। इसके साथ में एक माइक सोच रहा हूँ, एक माइक ले लेता हूँ, माइक मतलब वो ब्लूटूथ वाला रहेगा, ताकि मैं एक जगह पे जिधर भी खड़ा हो जाऊँ उसके बाद फिर आप लोग से अगर मेरे को बात करना हो तो दूर भी जाके बात करूँ तो मेरे कोई इशू नहीं है, ऐसा हो माइक। लेकिन वो आ रहा है अच्छा खासा रेट में, क्योंकि मेरे को एक दो चीज़ नहीं चाहिए, दो तीन चीज़ चाहिए, तो वो तीसरी चीज़ के लिए मेरे को भी पैसे तो लगाने पड़ेंगे अच्छा खासा। तो अभी चाय बन रहा है, देखो दूर ये सामने है और इसके अंदर चाय उबल रहा है। क्या गलत बात करूंगी, गुंडू कौन, गुंडू कौन, गुंडू मैं हूं। तो अभी आप लोग बारिश में जाएंगे बाहर घूमने, खतरों के खिलाड़ी बन रहे, कौन गंदा किया है, मैं किया हूँ, इल्ज़ाम लगा रहा मेरे ऊपर झूठा वो भी। जाता है तू, अपने आप जाता है।
मस्त फोन आ गया। कहाँ जा रहा है? अभी अविनाश डैडी मम्मी ये तीनों लोग गए हुए हैं। अभी एक जगह वो है शिव पुराण है वो सुनने, तो मैं सोऊंगा थोड़ी देर। मैं क्यों नहीं गया, काम है बहुत सारा। हाँ कौन सा झोला? झोला तो ये वाला बना लेना भाई, एक दो वीडियो बना लेना। कौन सा? ये भी तो अभी शाम के बज रहे हैं लगभग 6 और मौसम एकदम एक नंबर हुआ, एकदम सुहाना मौसम हुआ है। मैं सोया नहीं था बिल्कुल भी, मैं सोचा जरूर था सोऊंगा लेकिन सो नहीं पाया। इसका कारण ये है कि नींद नहीं आया मेरे को, और क्या दोपहर में सोने की आदत छूट चुकी है, क्या ही नींद आएगा, इसलिए सोया बिल्कुल भी नहीं था। अभी जो मौसम है एकदम चोखा मौसम हुआ है। हाँ सुबह को जो बारिश गिरा वो थोड़ा सा गिरा था, लगभग कितने बजे, 12 बजे लगभग गिरा था, जितने टाइम मम्मी डैडी मार्केट जाने वाले थे उतने टाइम बारिश गिर रहा था, फिर बंद हो गया, और क्या गिरते थोड़ी रहेगा। बाकी मौसम अभी एकदम मस्त हुआ है, देखो जबरदस्त मौसम हुआ है। नहीं इस तरफ का तो कुछ बोल ही नहीं सकते, इधर तो पता ही नहीं चल रहा बादल है कि क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं इधर बादल दिख रहा है, इस तरफ खाली खाली पूरा एकदम है, आसमान है रे। और बाकी मेरे घर के पेड़ पौधे सब खिलखिला उठे हैं बारिश के पानी के वजह से, क्योंकि उसमें एसिड रहता है तो एसिड रेन के वजह से सब खिलखिला उठे हैं अच्छा खासा। ये सब कपड़ा वपड़ा भी आ रहा है तो ये सबको थोड़ा इग्नोर करते रहो। अभी कैसा मैं सोचता हूँ पता है, जैसे वीडियो वीडियो शुरू करना है ना यूँ ऐसे करके आप लोग रहोगे, ऐसे करके मैं बोलूँगा और फिर डायरेक्ट आप लोग ऐसे आओगे, ये थोड़ा वीडियो एडिटिंग ऐसे करने पे थोड़ा बेटर रहता है, थोड़ा अच्छा दिखता है। बाकी नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे एक लड़का पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा है, पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा है, मेरी बातों को आप उतना मत गिनती गिनना करो। देखो वहाँ पे पतंग उड़ा रहा है वो, इस ट्राइंग। और उधर से क्या ही सूर्य देवता निकल रहे हैं, नहीं डूब रहे हैं दिख रहा है अभी, लेकिन बादलों से तो निकल ही रहे बोलूँगा, मस्त एकदम वाव। थोड़ा बादल आप लोग ऊपर हो जाओ प्लीज़ प्लीज़, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ बादल लोग, आप लोग थोड़ा सा ऊपर हो जाओ प्लीज़, अच्छा व्यू आएगा। देखो अभी थोड़ा सा धूप नीचे आए हैं, सूर्य देवता नीचे आए हैं, कैसा दिख रहा है मस्त एकदम। बादल तो वहीं के वहीं है, ये लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाकी अगर सीन तो ये ऐसी रहता है मूवीज़ वूवीज़ में जो देखा हूँ, सीन ऐसी रहते हैं, बस ये नीचे बिल्डिंग विल्डिंग नहीं रहेगा, पानी रहेगा, और इधर समंदर का रेत मेरे पैरों को छूते हुए आएगा। पूरी आज जगन्नाथ जी का रिटर्निंग है फ्रॉम उनके बुआ के घर से, तो मेरे को पूरी का याद आ गया। तो अभी तीनों लोग आ चुके हैं, मम्मी अविनाश और डैडी, मम्मी अविनाश और मम्मी, ये लोग तीनों आ चुके हैं। खाना पीना भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, रात के बज रहे अभी 11 और तब से मैं वीडियो नहीं बनाया, घर के कुछ बहुत सारे काम थे जिसको मैं इसमें शूट नहीं किया हूँ लेकिन किया हूँ, दिख नहीं रहे हैं लेकिन। तो चलो अब वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, आई होप मेरा आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक, चैनल में सब्सक्राइब, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।